हुकूमत करते हैं, जो गुमराह करने की हुक्म अदा करते हैं। चीफ मिनिस्टर होकर आपने 6 साल उमर अब्दुल्ला साहब की डोडा बदरवा किश्तवाड़ में शक्ल देखी है, इस 10 साल में शक्ल देखी है। आज गांव गांव में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, फिर एक दफा आपको गुमराह कर, फिर एक दफा गुमराह कर। अरे उमर साहब, आप हिंदुस्तान में रहते तो आपको पता चलता हमारा, आप तो गर्मियों में लंदन में रहते हैं नानहाल की है? और सर्दियों में और किसी गर्म मुल्क में जाते हैं, यहाँ तो आप टूरिस्ट की तरह आते हैं। ये पूरा 1.5 साल में मैंने कठुआ उधमपुर जम्मू में 50 पब्लिक मीटिंग की है। जरा हिंदुस्तान में रहिए, स्टेट में रहिए तो आपको पता चलेगा। जिस आदमी को लीडर को ये मालूम नहीं है कि इन्होंने 100 से ज्यादा मीटिंगें की होंगे, वो लीडर ही क्या करेगा। ये फिर एक दफा मजहब के लिए, इस्लाम के लिए, और जो हमारी दीने किताबें हैं जो वोट लेने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, उनका रात को इस्तेमाल करें। खुदा के लिए, भगवान के लिए, ये मजहब की लड़ाई नहीं है, ये सियासत की लड़ाई है। ये सियासत में जो आपकी सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल, रोजगार देगा उसको लाना है। बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। मजहब के नाम पे हिंदू है या मुसलमान जो वोट दोगे, लेकिन सियासत के लिए मजहब को इस्तेमाल करो। सियासत के लिए सियासतदान को परखो, कौन है आपका हमदर्द,